मैं बिहार से हूँ, पटना से। एक पटना जगह में एक मनीर जगह है जहाँ का लड्डू बहुत प्रसिद्ध है बिहार में, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई पटना से हुई है, मैं प्रॉपर पटना से पढ़ा लिखा, सारा ग्रेजुएशन वहीं किया, उसके बाद वहीं से मैंने अपने थिएटर की शुरुआत की। ओके, शुरू से आप एक्टर बनना चाहते थे, ये एक्टिंग का आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग ही करनी चाहिए? मैं एक्चुअली एक इत्तफाक है, ये हुआ क्या कि से मैं बचपन में बहुत छोटा था जब, तो उस समय टीवी का बहुत कम था, तो मेरे घर में रेडियो हुआ करता था, तो मैं रेडियो के सामने डांस करता था। तो मेरे फादर जो थे वो देखे एक दिन डांस करते हुए, तो उन्होंने रेडियो को गांव भेज दिया, बोला कि नहीं नहीं ये बदमाश, ये दूसरा चीज़ पकड़ लेगा, इसको हटाओ यहाँ से। तो उन्होंने, फादर मेरे टीचर थे, तो वो चाहते थे कि ये पायलट बने, तो मेरी शिक्षा वो उन्होंने अपने शुरू कर दी पायलट के लेकर। लेकिन फिर मैं, हाँ बोल रहा था कि मैं, मेरे साथ एक दुर्भाग्य कहिए, मेरे फादर 1981 में एक्सपायर हो गए, हार्ट अटैक उनको हुआ था। तो एक्सपायर होने के बाद फिर मैं काफ़ी दुखी रहता था, तो मेरे घर के पास ही एक थिएटर के डायरेक्टर रहते थे, वो बोले कि इतना रोते रहता, मेरे बड़े भाई से बोले कि इतना रोते रहता है, इसको कुछ ना कुछ करवाओ यार, नहीं तो ये पढ़ेगा लिखे बगैर नहीं, ऐसे ही दिन भर रोता ही रहता है फादर के लेकर। तो उन्होंने मुझे अपने ड्रामा कंपनी में मुझे शामिल कर लिया। तो 6 महीना 7 महीना तो करीब मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो वो क्या करते थे कि इसे मुझे रोज़ का ड्यूटी दिया था कि एक घड़ा पानी रखो और पूरे जो ये रिहर्सल रूम है इसको झाड़ू दे करके तुमको साफ करना है। ये मैंने कंटिन्यू 7 महीना मैंने किया, तब उसके बाद उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी। अब बोला कि इसको तुम बोलना सीखो, प्रॉम्प्ट करना। तो मैं धीरे 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 प्रॉम्प्ट किया, फिर उसी स्क्रिप्ट में मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, जिस थे नाटक का नाम था अत्याचार। फिर धीरे धीरे, फिर उस संस्था छोटी थी तो बंद हो गई थी, फिर एक प्रयास नाट संस्था था, मैंने वो ज्वाइन किया, वो भी नई नई खुली थी, हम ही लोगों ने उसको खोला था। तो वहाँ मैंने करीब 12-14 साल मैंने वहाँ थिएटर किया, बड़े बड़े नाटक किए मैंने, रश्मि रथी, पगला घोड़ा, हमीदाबाई का कोठा, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, दो ठग, जो था श्रीमती की, ये सब और भी नाटक मैंने किया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ये एक सफ़र चलता रहा और करीब 90 के आसपास में मुझे उस डायरेक्टर ने बोला कि तुम अब अपनी परीक्षा दो कि तुमने क्या सीखा क्या किया। तो ऑल ओवर इंडिया शॉर्ट प्ले ड्रामा, अरे यार क्या कर रहे हो तुम। तो 90 के आसपास में मुझे बोला कि परीक्षा देनी है आपको कि आपने किया क्या है। तो ऑल ओवर इंडिया शॉर्ट प्ले ड्रामा कंपटीशन होता था, तो उन्होंने बोला कि इसमें तुम हिस्सा लो, मैं भी एक नाटक लेके चलता हूँ, उसमें तुम भाग लो और इसमें हिस्सा लो कि तुम्हारा आखिर में परफॉर्मेंस में कितना सुधार आया, क्या करते हो तुम। तो मैं 90 में 2-3 जगह परफॉर्म किया जा करके, तो मुझे कुछ अवार्ड नहीं मिला शॉर्ट प्ले में। लेकिन जब उन्होंने डायरेक्टर ने जब देखा कि इसको कोई, तो मैं बहुत दुखी रहता था, तो उन्होंने मुझे करीब 6 महीना तक बजाबते सोलो ट्रेनिंग दी, ऐसे करो, ऐसे हाथ उठाना है, ये डायलॉग डिलीवरी होता है, ये सुर होता है, ये ताल होता है, ये लय होता है। उन्होंने पूरा वो ड्रामा का जो डायलॉग का जो उतार चढ़ाव ऊपर नीचे पूरा सिखाया। तो मैं 91 से लेकर 94 तक मैंने करीब 7 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया मैंने वहाँ ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें इलाहाबाद, नैनीताल, शिमला, मनाली, दिल्ली, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, डिहरी, अमसोन, जी जितने भी जगह होता, मैं 7 बार करीब मुझे मिला ये। जब ये सब होने लगा तो मैंने सोचा कि भाई अब यहाँ का तो हो गया, अब थोड़ा मुंबई का रुख किया जाए। तो मैं फिर 1999 में मैं यहाँ चला आया मुंबई। यहाँ आया तो मुझे कुछ शुरुआत में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये शहर है क्या। तो दिन भर वही मैं घूमता रहता था पैदल, मुझे बस का नंबर पता नहीं, कुछ पता नहीं, कभी इस चौराहे उतर जाऊँ, कभी वहाँ उतर जाऊँ, कुछ समझ नहीं आता, दिन भर भटकता रहता था। मुझे लगा कि अब मैं, लगता है यहाँ नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा, मेरे बस के बाहर की चीज़ें। तो मैं फिर वापस चला गया। 6 महीने बाद फिर मैं वापस आया कि नहीं, करना यही है चाहे जो हो जाए। आया तो उस समय संजय खान का सीरियल चलता था, जय हनुमान, डीडी पे। तो डीडी पे चलता था, तो मैं गया उस ऑफिस में, तो वहाँ एक जान पहचान के असिस्टेंट डायरेक्टर थे रंजन सिंह, जो आज के डेट में काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं।
तो उनसे मैंने मिला तो मैं बोला कि सर आप कुछ भी करो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोटा से छोटा जो भी काम दोगे मैं करूँगा, लेकिन मैं एक्टर बनने आया हूँ, मुझे आप कास्ट करो। तब उन्होंने मुझे फ्लूटिंग, उस समय एक्टर होता थे बड़े एक्टरों के पीछे खड़े रहना डंडा लेकर के, वो फ्लूटिंग एक्टर में मुझे कास्ट हुआ। मैं गया उमरगांव, वहाँ शूटिंग चलती थी, जब बड़े एक्टर आ जाए तब ऐसे फ्लूटिंग में पीछे खड़ा रहता था। उसी में संजोग से छोटे छोटे कैरेक्टर निकलते थे, महामंत्री का, कभी मंत्री का, तो एक पेज डेढ़ पेज का सीन होता था तो वो मुझे मिलता था, मैं प्ले करता था। उसी समय सर ऐसा हुआ मेरे साथ कि से एक प्रहस्त नाम का रोल आया, तो जो मेन डायरेक्टर थे वो बोले कि यार एक पेज का सीन है, इसमें दो चार लाइन डाला गया, सुजान से करवा लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे मिला, मैंने कर दिया। वो सर प्रहस्त रावण के नाना थे वो, अब वो करीब मेन रोल फंस गया वो, अब एक सीन के जगह मैंने करीब 55 एपिसोड कंटिन्यू मेन कैरेक्टर किया सर, जय हनुमान में। नहीं, एक शुरुआत हुई, एक शुरुआत हुई, कैमरा फेसिंग समझ में आया, टेक्निक, हाँ, जो जी जी कि कैसे कैमरे के सामने खड़ा होता है, डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, वो एक समझ में आई कि ऐसे ऐसे प्ले होता है, चूँकि थिएटर तो लाउड है और यहाँ बहुत सिंपल में करना पड़ता है, तो वो मुझे समझ में वहाँ आ गई। फिर यहाँ आया तो फिर वही स्ट्रगल का दौर चलता रहा, दिन में अपना थोड़ा सा कुछ खाने का सामान ले लिया, टिफिन में बैग में डाल लिया और रस्ते भटकते रहा, जहाँ कुछ ऑडिशन लो डायरेक्टर बोले वहाँ देता रहा। तो अचानक मुझे एक सीरियल मिला, एपिसोडिक सीरियल, पहले आता था जी पे रिश्ते, और उसके बाद स्टार बेस्ट सेलर करके स्टार प्लस पे आता था, उसी चीज़ को कन्वर्ट किया। हाँ, तो दोनों सीरियल में इरफान भाई के साथ मुझे काम मिला, इरफान भाई मेन में थे, एक में स्टार बेस्ट सेलर में मैं था, वो उनके साथ प्यून बना था और वो बड़ा बाबू थे, और दूसरे में वो फैमिली के थे, मैं लेफ्ट मैन बना था, दोनों सीरियल में इरफान भाई ही थे, तो वो मैंने किया। उसके बाद फिर एक छोटा सा सीरियल रेत का दरिया मिला, वो ऐसे छोटे छोटे रोल मिलते रहे। उसी बीच में एक पिक्चर मुझे मिली, एक से बुरे दो, अरशद वारसी वगैरह सब कोई थे उसमें, तो वो मिली तो उसमें बहुत छोटा करेक्टर था, तो लाइफ की पहली बड़ी पिक्चर मुझे मिली, तो मैं बहुत नर्वस था, गया था सेट पे, समझ में नहीं आया था कि भाई इतना बड़ा कैनवास में कैसे आदमी काम कर सकता है।